तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी और बीआरएस नेता के कविता की आज ईडी के सामने पेशी। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला के मामले में की गई है तलब। के कविता से पूर्व सहयोगी अरुण पिल्लई के सामने बैठाकर हो सकती है पूछताछ। ईडी ने शराब घोटाला मामले में के कविता को बताया मनीष सिसोदिया का सह आरोपी। ईडी का दावा, अरुण पिल्लई शराब घोटाला मामले में महज मुखौटा। साउथ ग्रुप की तरफ से विजय नायर से कर रहा था डील। ईडी ने मनीष सिसोदिया की रिमांड एप्लीकेशन में किया के कविता की भूमिका का जिक्र। के कविता ने शराब घोटाले में किसी भी भूमिका से किया इनकार। के कविता का ईडी पर आरोप, लोगों को टॉर्चर कर जबरन बयान दिलवाया जा रहा है। के कविता का केंद्र सरकार पर आरोप, चुनाव से पहले मोदी सरकार उनके पिता के खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है। के कविता ने कहा कि महिला आरक्षण पर धरने के ऐलान के बाद ही उन्हें ईडी का नोटिस दिया गया। तेलंगाना से के कविता के समर्थक दिल्ली पहुंचे, ईडी कार्यालय तक कविता के साथ जाएंगे समर्थक। हैदराबाद के करीमनगर और निजामाबाद से दिल्ली आए के कविता के समर्थक, कहा कि के कविता को बदनाम करने के लिए हो रही है पूछताछ। ईडी ने कोर्ट में लिया दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम, कहा केजरीवाल और सिसोदिया थे विजय नायर के बॉस। केजरीवाल के प्रतिनिधि के तौर पर के कविता के संपर्क में था विजय। फ्रीडम ऐप से सीख कर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है, अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक है उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। नायर ईडी ने सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा से पूछताछ का हवाला देते हुए सांसद संजय सिंह का भी जिक्र किया। बताया कि संजय सिंह ने फंड जुटाने को कहा था। ईडी ने आम आदमी पार्टी पर 100 करोड़ घूस लेने का लगाया आरोप। विजय नायर के कविता और सिसोदिया को बताया साजिश का सूत्रधार, कहा साउथ लॉबी ने आम आदमी पार्टी नेताओं को 100 करोड़ दिए। ईडी ने कोर्ट में व्हाट्सएप चैट सामने रखा, व्हाट्सएप चैट में लिखा है वी नीड मनी, मतलब विजय नायर को पैसा चाहिए। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने 7 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा, 17 मार्च तक रिमांड में रहेंगे। मनीष सिसोदिया को ईडी हेडक्वार्टर लाया गया, मनी ट्रेल का पता लगाने के लिए ईडी ने मांगी थी 10 दिन की रिमांड। सीबीआई जांच के मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, 21 मार्च को होगी सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। केजरीवाल को भी जाना पड़ेगा जेल, बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि राहुल गांधी और केसीआर भी केजरीवाल को नहीं बचा पाएंगे। लालू यादव एंड फैमिली पर जमीन के बदले नौकरी मामले में कसा ईडी का शिकंजा। दिल्ली में तेजस्वी यादव पर घर पर 16 घंटे तक चली रेड। लालू यादव की 3 बेटियों के घर पर भी ईडी ने रेड की, पटना, दिल्ली, मुंबई और रांची सहित 15 जगहों पर रेड हुई। लालू परिवार के करीबी और आरजेडी नेता अबू दोजाना पर भी ईडी का छापा। पटना के फुलवारी शरीफ में अबू दोजाना के घर ली गई तलाशी। गाजियाबाद में लालू यादव के समधी जितेंद्र यादव के घर पर ईडी की टीम ने की छापेमारी, घर से बाहर आने जाने पर रोक लगाई गई। लालू यादव ने रात करीब 11:30 बजे ट्वीट कर सरकार पर लगाए आरोप, लिखा हमने आपातकाल का काला दौर भी देखा है, हमने वह लड़ाई भी लड़ी। लालू यादव ने रेड को बताया आधारहीन और प्रतिशोध की भावना, लिखा कि मेरी बेटियां नन्हे मुन्ने नीतियों और गर्भवती पुत्र वधू को भाजपा ईडी ने 15 घंटे से बैठा के रखा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने ट्वीट कर लालू यादव का किया समर्थन, लिखा लालू बुजुर्ग और बीमार हैं तब भी मोदी सरकार ने मानवता नहीं दिखाई। सीबीआई ईडी के छापे पर छत्तीसगढ़ के सीएम का निशाना, कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में नहीं हो रही है छापेमारी। सदानंद कदम को ईडी ने दापोली साई रिजॉर्ट के मामले में पूछताछ के बाद अरेस्ट किया। उद्धव गुट के नेता अनिल परब के करीबी है सदानंद। आदित्य ठाकरे ने कहा कि सरकार के खिलाफ होने पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई आम बात है, हमारे लोकतंत्र के लिए घातक। पश्चिम बंगाल पशु तस्करी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अनुव्रत मंडल को 11 दिनों की ईडी कस्टडी पर भेजा। उमेश पाल शूट आउट के मामले में बीजेपी के पूर्व सांसद हरि नारायण राजभर का विवादित बयान, माफिया अतीक अहमद के एनकाउंटर की मांग। हरि नारायण राजभर ने कहा जेल सरकार की है, अतीक को जेल से निकाल कर एनकाउंटर कर देना चाहिए। हरि नारायण राजभर ने कहा कि जो पुलिस अधिकारी अतीक को जहन्नुम पहुंचाएगा उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुलेगा। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा, माफिया अतीक अहमद की पत्नी शायस्ता परवीन के साथ शूटर साबिर का एक फुटेज आया सामने। एक सीसीटीवी फुटेज में दिखे शायस्ता परवीन और शूटर साबिर, शूटआउट से 5 दिन पहले का सीसीटीवी फुटेज। शायस्ता परवीन 19 फरवरी की रात 9 बजे अतीक के शूटर बल्ली उर्फ सुधांशु के घर पहुंची, शार्प शूटर साबिर भी था मौजूद। माफिया अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटों के मामले में प्रयागराज कोर्ट का आदेश, 13 मार्च तक पुलिस रिपोर्ट पेश करे। बरेली जेल में बंद माफिया अतीक के भाई अशरफ के 2 गुर्गे राशिद और फुरकान गिरफ्तार, जेल में गैर कानूनी तरीके से अशरफ से मिलते थे दोनों। उत्तर प्रदेश के बरेली में एसआईटी का एक्शन, अतीक अहमद के करीबी सहयोगी सद्दाम का आवास सील किया। सद्दाम बिना किसी आईडी और एग्रीमेंट के किराए पर रहता था, मकान मालिक ने दर्ज कराया था मामला। सपा नेता लल्ला गद्दी की तलाश में पुलिस ने टीम छापेमारी कर रही है, बाकी फरार अपराधियों की तलाश में पुलिस ने अलग अलग टीमें भी बनाई है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी गैंग को बताया देश का सबसे खूंखार अपराधी गैंग, गुर्गे रामू मल्ला की बेल याचिका खारिज। राजस्थान के शहीदों की वीरांगनाओं के समर्थन में खुलकर आई है बीजेपी, गहलोत सरकार के खिलाफ आज सुबह 11 बजे प्रदर्शन का आह्वान किया। किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ता का सड़कों पर प्रदर्शन, बीजेपी मुख्यालय के सामने पुलिस की कार्यशैली के विरोध में देंगे धरना। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा है कि कांग्रेस सरकार लाठी का डर दिखाकर वीरांगनाओं की आवाज दबा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा शहीदों के लिए किए गए वादों से पीछे हटी गहलोत सरकार। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने वीरांगनाओं की बात सुनने की वकालत की, उनके साथ बदसलूकी के मामले में जांच करके दोषियों को पकड़ने के लिए भी कहा। भरतपुर के अस्पताल में बीजेपी सांसद रंजिता कोहली की पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की, हाथ और कमर में आई चोट। शहीद जीताराम गुर्जर की पत्नी सुंदरी देवी से मिलने अस्पताल गई थी रंजिता कोहली, पुलिस वालों ने रोका तो धक्का मुक्की हुई। सांसद रंजिता कोहली के समर्थक अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे, करीब 7 घंटे जमकर हंगामा और नारेबाजी हुई। एआईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगे, सीएम गहलोत के क्षेत्र जोधपुर से आज करेंगे जनसंपर्क अभियान की शुरुआत। भारत और ऑस्ट्रेलिया यूएन सुरक्षा परिषद में एक दूसरे की अस्थायी सदस्यता का करेंगे समर्थन, पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बानेस ने जारी किया संयुक्त बयान। गुजरात विधानसभा में बीबीसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव पारित हुआ, भारत की छवि को खराब करने का आरोप लगा। बीजेपी विधायक विपुल पटेल ने बीबीसी फ्रीडम ऐप से सीख कर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है, अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। पर 2002 की घटनाओं को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया, सदन में लगे मोदी किनारे। गुजरात के अंबाजी मंदिर में प्रसाद में मोहन थाल के बदले चिक्की दिए जाने का मामला विधानसभा तक पहुंचा, कांग्रेस के विरोध का बीजेपी ने भी समर्थन किया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का रतलाम में शिवराज सरकार पर तंज, कहा धर्म को हथियार की तरह इस्तेमाल करती है बीजेपी, आप रोजगार की बात करोगे तो ये मंदिर मस्जिद की बात करेंगे। दिग्विजय सिंह ने गृह मंत्री पर भी लगाया आरोप, कहा कि जब हनुमान जी की मूर्ति के सामने महिला अर्धनग्न प्रदर्शन कर रही थी तब कहा गया था इनका हिंदुत्व। नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में सर्वदलीय बैठक बुलाई, विधानसभा चुनाव में देरी और संपत्ति पर कर लगाने का पर हुई चर्चा। संसद की विशेष अधिकार समिति के सामने निशिकांत दुबे ने राहुल की सदस्यता खत्म करने की मांग की है, राहुल ने पीएम पर लगाए थे गंभीर आरोप। निशिकांत दुबे ने कहा जिन बयानों को लोकसभा स्पीकर ने हटाया उसे राहुल ने सोशल मीडिया पर डाला, बिना सबूत आरोप लगाकर सदन को गुमराह किया। तेलंगाना में कांग्रेस किसी से नहीं करेगी गठबंधन, कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले बीआरएस और कांग्रेस में मेन फाइट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।